आज मैं आपको TCS इंटर्नशिप के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं जब थर्ड ईयर में थी, तो थर्ड ईयर के बाद जो समर इंटर्नशिप होती है उसके लिए जून जुलाई के टाइम में मैं TCS में अपना इंटर्नशिप की थी। मेल आई थी मुझे कि चल, यू आर सिलेक्टेड फॉर, नॉट सिलेक्टेड, मुझे वो मेल आया था जिसमें मुझे एक इनविटेशन था, लाइक मुझे एक अप्लाई करना था, मुझे एक फॉर्म फिल करना था। और वो फॉर्म फिल करने के बाद मुझे क्या हुआ था, मेरे को एक इंटरव्यू कॉल आई थी। और उस इंटरव्यू कॉल में मेरे से मेनली लाइक वो इंटरव्यू कॉल अराउंड 1 to 2 month बाद आई थी। और मेरे को TCS में नॉट ओनली फ्रॉम कोडविटा, बट देर इज ऑल्सो अ प्रोग्राम कॉल्ड, आई कांट रिमेम्बर एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट प्रोग्राम, आई विल राइट द नेम ऑफ द प्रोग्राम इन द डिस्क्रिप्शन। दिस इज समथिंग लाइक हैकाथॉन, आई थिंक इट वॉज इंजेनएक्स। सो इसमें क्या हुआ था कि उसमें मैं कुछ लेवल क्वालिफाई की थी और कुछ कुछ लेवल तक गई थी, उससे भी मेरे को कॉल आ गया था। लेकिन मैं प्रिफर की थी जो कोडविटा से मेरे को ऑफर आया है उस वो ऑफर को कंटिन्यू करने का। तो ये ऑफर आ गया था मुझे और मैं अप्लाई कर दी थी उसके लिए। मतलब मेरे को मेनली क्या हुआ था ना कि मेरे को खुद मेल आया था, तो सोची थी चलो अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने में क्या जाता है। और उसके बाद इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में सिंपल क्वेश्चन, सिंपल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन एंड मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गई थी। तो अब मैं बता देती हूँ कि ये इंटर्नशिप होता क्या है। TCS प्रोवाइड करती है ये इंटर्नशिप। और ये इंटर्नशिप में क्या होता है कि सबसे बेस्ट पार्ट इस इंटर्नशिप का क्या लगा कि मुझे खुद अपना प्रोजेक्ट चूज करना होता है। जैसे कि मैं जब साइट पे, वहाँ पे मुझे, मैं सिलेक्ट होने के बाद, नहीं, पहले मुझे क्या करना था, पहले मुझे सेलेक्ट करना था कि मैं किस प्रोजेक्ट में काम करना चाहती हूँ ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। एंड उसके बाद मुझे इंटरव्यू कॉल आया था। मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कैंपस कॉमनी के साइट पे गई थी वो फॉर्म फिल करने के बाद। और उसके बाद मैं दो दो में अप्लाई की थी। तो उसमें क्या होता है कि इसमें सारे डोमेन का वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा, चाहे आप मशीन लर्निंग हो, आपको ब्लॉकचेन पे करना हो, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना हो, मर्न स्टैक, मीन स्टैक, उसमें लगभग सारे डोमेन से रिलेटेड और सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट रहता है। तो आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो कि आपको कितने मंथ का, वहाँ पे 3 मंथ का भी इंटर्नशिप रहता है, 4 मंथ का भी इंटर्नशिप रहता है, 2 मंथ का भी इंटर्नशिप रहता है। तो आप अपने हिसाब से आप इंटर्नशिप चूज कर सकते हो। तो मुझे उस समय, मेरे पास मशीन लर्निंग में अच्छा नॉलेज था और मैं पहले भी मशीन लर्निंग का बहुत सारा प्रोजेक्ट कर रखी थी, उसलिए मैं अप्लाई कर दी मशीन लर्निंग के लिए। और ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लगा था क्योंकि ये थोड़ा यूनिक था। लाइक मेरा प्रोजेक्ट था फिंगरप्रिंट क्रिमिनल एनालिसिस सिस्टम। इसमें क्या हुआ था, मुझे क्या करना था, फिंगरप्रिंट को एनालाइज करना था एंड फिंगरप्रिंट में कोड एंड डेल्टा निकाल को डिटेक्ट करना था। और ये डीप लर्निंग का, लाइक इसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पर डीप लर्निंग का एडवांस यूज होगा, और इसलिए मुझे इंटरेस्ट भी था और मुझे थोड़ा डेप्थ में पढ़ना था, उसलिए मैं भी इसमें अप्लाई कर दी थी। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद मैं इसमें सिलेक्ट हो गई थी। और ये होने के बाद मेरे मुझे 2 मेंटर असाइन हुए थे और मेंटर हमारे काफ़ी अच्छे थे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे। और हमारे एक मैनेजर थे और एक तरह से पूरा जो इंडस्ट्री का जो माहौल होता है, एक तरह से जो इंडस्ट्री का जो जो फील लेने के लिए जो इंटर्नशिप करना चाहिए वो TCS प्रोवाइड करती है। प्लस सिस्टम प्रोवाइड करती है, लाइक आपको डेस्कटॉप दिया जाएगा अगर आप अप्लाई करते हो डेस्कटॉप लेने के लिए तो। और वो डेस्कटॉप सारे इंटर्न को प्रोवाइड नहीं किया था, लेकिन कुछ सिलेक्टिव इंटर्न को डेस्कटॉप भी प्रोवाइड करी थी। और जो भी फैसिलिटी चाहिए, जैसे कि AWS चाहिए आपको प्रोजेक्ट के से लिए, लाइक बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे के पास अच्छा नहीं होता, लाइक हाई GPU एंड ये सब का सिस्टम नहीं होता है, तो आपको AWS प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जिसपे आप अपना, अपने हिसाब से आप मतलब उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपका सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। तो ये सब अच्छा था, फैसिलिटी हमें पूरा दिन मिली थी। लेकिन सबसे बुरी बात इंटर्नशिप ये थी कि ये फ्री इंटर्नशिप था, लाइक हमें कुछ पेड नहीं किया गया था इंटर्नशिप के टाइम में। बट एक्चुअली टायर थ्री के साथ बहुत सपार ऐसा होता है ना कि फ्री इंटर्नशिप भी चलो मिल जाए एक्सपीरियंस के लिए ले लेते हैं, लेकिन अगर आपको पेड मिल रहा है तो पेड फार बेटर है, क्योंकि फ्री इंटर्नशिप करने में उतना मजे भी नहीं आता, लगता है क्यों किसी के लिए, दूसरे के लिए फ्री में काम करे। बट
इंटर्नशिप में आपको एक जो इंडस्ट्रियल माहौल होता है वो पूरा मिलेगा। और अगर आप लर्निंग के लिए इंटर्नशिप करना चाहते हो तो आपको मेंटर जो प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको पूरा फुल सपोर्ट करेंगे। आपको कुछ भी जहाँ भी प्रॉब्लम आ रहा है आराम से आप पूछ सकते हो। आपको बहुत ही अच्छे तरह से गाइड करेंगे आपके मेंटर, इसका मैं बता रही हूँ, ये बहुत सही रहता है। प्लस आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेटा सेट एंड सब कुछ मिलेगा, जो कि आप अगर सिंपल प्रोजेक्ट करने जा रहे हो तो आप उतना सिस्टम एफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे AWS ये सब पे नहीं कर सकते हो, बहुत सब बहुत कुछ का प्रीमियम नहीं ले सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मशीन लर्निंग के केस में क्या होता है कि हमारे पास पब्लिकली बहुत सारा डेटा सेट अवेलेबल नहीं होता है, वो सब डेटा सेट को आपको खरीदना पड़ता है। लेकिन आप अगर इंटर्नशिप करते हो तो आपको कंपनी आपको डेटा सेट प्रोवाइड करेगी, जिससे आपका एक लर्निंग बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये तो मेरा इंटर्नशिप था। मैं काम क्या की थी, मैं अपना फुल दी थी, मैं अपना पूरा काम की थी। मुझे मुझे रिसर्च पेपर को पढ़ना था, रिसर्च पेपर को इम्प्लीमेंट करना था, और मेरा उस टाइम में बहुत ही अच्छा लर्निंग हुआ था, ये मैं बोल सकती हूँ, लर्निंग हुआ था। प्लस हमें मेरे जैसे कि पहले जो भी मैं प्रोजेक्ट की थी वो मैं खुद पे करती थी, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आता था तो स्टैक और फ्लो के अलावा मेरे पास और कोई नहीं था जो मेरे को हेल्प कर सके। लेकिन इस टाइम में हम मेंटर से आप बहुत अच्छा से हेल्प ले सकते हैं, और मेंटर काफी अच्छे होते हैं, बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, और इससे ये प्लस पॉइंट होता है एक इंटर्नशिप करने का। तो यही था मेरा TCS का इंटर्नशिप। एंड अगर मैं बस एक पॉइंट को माइनस कर दूं, जो कि यह पेड इंटर्नशिप, लाइक आपको पेड पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, यहाँ तक कि इंटरनेट ये सब के लिए भी पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो अब ये पॉइंट बहुत ही मेजर पॉइंट होता है, फिर भी अगर इस पॉइंट को माइनस कर दे तो एक इंडस्ट्रियल माहौल और एक प्रोजेक्ट, लाइक आपको अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट तो जरूर मिलेगा, ये मैं बता सकती हूँ। और मैं एक बात और करना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि टायर थ्री को इंटर्नशिप नहीं मिलता है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड है जो अच्छा इंटर्नशिप कर चुके हैं, लेकिन मेरे कॉलेज में ऐसा माहौल नहीं था, मेरे कॉलेज भी कंपनी को नहीं बुलाती है। तो इसलिए क्या हुआ था कि लाइक इस कारण से अगर आप चाहो तो आप पेड इंटर्नशिप नहीं मिले तो आप TCS का अनपेड इंटर्नशिप कर सकते हो, लेकिन आप पेड इंटर्नशिप के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। थैंक यू।